मन पर विराजमान गुजरात के राज्यपाल श्रीमान ओम प्रकाश कोहली जी, राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान विजय रूपाणी जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान नितिन भाई, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल, श्रीमद राजचंद्र मिशन के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले श्रीमान गुरुदेव राकेश भाई, साबरमती आश्रम के ट्रस्टी अध्यक्षा इलाबेन, राज्य के मंत्री गणपत भाई वसावा, इस क्षेत्र के सांसद श्रीमान किरीट भाई सोलंकी, श्रीमान परेश रावल जी, मेयर श्रीमान गौतम भाई शाह, श्रीमद राजचंद्र ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान अरविंद भाई, साबरमती आश्रम के ट्रस्टी श्री कार्तिकेय सारा भाई और विशाल संख्या में पधारे हुए और देश और दुनिया से पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहन, इतिहास भुला देने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। क्या कुछ खोना पड़ता है, क्या कुछ गंवाना पड़ता है, अगर इस बात को समझना है मैं समझता हूं श्रीमद राजचंद्र जी के व्यक्तित्व से हम बहुत भली भांति समझ सकते हैं कि उनको भुला करके हमने कितना गवाया है। क्या कुछ खोया है और आज ये बहुत ही सुभग योग है कि श्रीमद राजचंद्र जी पूज्य बापू उनको कविश्री के रूप में भी संबोधित करते थे, उनके 150 वर्ष और जिस तपोभूमि से सदियों की गुलामी के बाद भारत की अंतर चेतना को जगाने का एक पवित्र कार्य हुआ, उस साबरमती आश्रम का शताब्दी पर्व, २०१७ का साल अनेक रूप से महत्वपूर्ण है। यही वर्ष था जब देश में पहला सत्याग्रह का बिगुल बजा चंपारण की धरती पर, और उसका भी ये शताब्दी का वर्ष है। पूज्य बापू १९१५ में भारत वापस आए थे अफ्रीका से, और २०१५ में जब उनका शताब्दी का वर्ष था तो भारत सरकार ने पूज्य बापू के भारत आगमन की उस शताब्दी को भी
इसी गुजरात में गांधीनगर में महात्मा मंदिर में दुनिया भर के प्रवासी भारतीयों को बुला करके उस अवसर को मनाने का प्रयास किया था। आज के इस कार्यक्रम से देश के बहुत लोगों को जो गांधी से जुड़े हैं जो गांधी के अभ्यासु हैं उनके लिए श्रीमद राजचंद्र जी का नाम परिचित है, लेकिन एक पूरी पीढ़ी है जिनके लिए श्रीमद राजचंद्र जी का नाम नया है। दोष हम लोगों का है कि हमें इन महापुरुषों को पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखते रहना चाहिए, लेकिन हम कुछ न कुछ ऐसे गलत रास्ते पर चल दिए कि हमने उन्हें भुला दिया। इस सरकार की कोशिश है कि इस महान राष्ट्र के महान सपूतों का महान परंपराओं का महान इतिहास का निरंतर स्मरण बनता रहे, इतिहास की जड़ों से हम जुड़े रहें और नए इतिहास रचने के लिए पराक्रम के लिए तैयार होते रहे, ये इस मकसद से हमें आगे चलना है। साबरमती आश्रम की शताब्दी, कभी कभी मुझे लगता है कि विश्व को जिस रूप में गांधी से परिचित करवाने की जरूरत है, आज के संकट से गुजर रही मानवता को गांधी से संबल मिल सकता है, राह मिल सकती है, लेकिन हम उसको नहीं कर पाए। अभी भी समय है, वरना मेरा तो मन करता है, मैं नहीं जानता हूं सारी इच्छाएं पूरी होती हैं कहां होता है, लेकिन इच्छाएं करना भी तो कोई बुरा थोड़ा होता है। कभी कभी मन करता है कि यूनाइटेड नेशन जिसका निर्माण शांति के लिए हुआ, प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध की कोख से यह विचार पैदा हुआ जिसने संस्था का रूप लिया, अगर हमने गांधी को विश्व की शांति के लिए एक मसीहा के रूप में जन मन तक स्थिर करने में सफलता पाई होती, तो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल जो भी बनता, वो बनने के बाद सबसे पहले साबरमती आश्रम आता। कुछ पल हृदय कुंज में बिताता और विश्व शांति के लिए यूनाइटेड नेशंस की उस धरती से क्या काम कर रहा है उसकी प्रेरणा साबरमती के तट से बापू की तपोभूमि से लेकर के जाता। लेकिन मेरी आत्मा कहती है आज नहीं तो कल कभी न कभी तो ये होगा। हमारे देश को हमने उस रूप में देखना चाहिए, उस सामर्थ्य को अनुभव करना चाहिए और विश्व को इस विशालता के साथ
जोड़ने का अविरत प्रयास करते रहना चाहिए। श्रीमद राजचंद्र जी जैसा गुरुदेव राकेश जी कह रहे थे, महात्मा गांधी को दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां मिलने आती थी, आजादी के लिए दुनिया के बड़े बड़े लोगों से वो बात करते थे, लंबे चौड़े 6 फुट 6.5 फुट ऊंचाई वाले, चिकनी चपटी गोरी चमड़ी वाले, लेकिन दुनिया का कोई व्यक्तित्व गांधी को प्रभावित नहीं कर पाता। और एक श्रीमद राजचंद्र जी, दुबला पतला और वो भी एक व्यापारी, दुकान पर बैठ करके खरीद बिक्री करने वाला सामान्य जीवन, असामान्य व्यक्तित्व, और गांधी में और श्रीमद रामचंद्र जी की उम्र में भी ज्यादा फर्क नहीं था, 2.5 साल का सिर्फ फर्क था। उसके बावजूद भी श्रीमद रामचंद्र जी के व्यक्तित्व की वो कौन सी विशालता होगी, वो कौन सी गहराई होगी, वो कौन सी ताकत होगी, कि जिसने पूरे के पूरे गांधी को अपने में समेट लिया था। मेरा यह सौभाग्य रहा, मैं भवानिया गया था जहां श्रीमद राजचंद्र जी का जन्म हुआ, उनके पूर्वजों की जगह है, और मैं उनके परिवारजनों का आभारी हूं कि जिस प्रकार से उस स्थान को संभाला है। और वहां से जाने के बाद मैंने शिक्षकों से कहा था कि जब भी आप सौराष्ट्र में कहीं यात्रा के लिए जाते हैं, कुछ पल भवानिया जरूर जाइए, हम मंदिर जाते हैं एक अलग प्रकार के वाइब्रेशंस अनुभव करते हैं, एक अलग प्रकार की अनुभूति आती है। जो मैंने अनुभव किया था, मैं मानता हूं आपको भी वही अनुभव होगा। श्रीमद राजचंद्र जी के लिए जो स्थान भवानिया में बना हुआ है, मंदिर नहीं है, एक स्थान है, लेकिन अंदर जाते ही आपको एक आध्यात्मिक चेतना के वाइब्रेशंस की अनुभूति होती है। हमारे देश में पीएचडी अनेक विषयों पर होती है, अनेक महापुरुषों की कविताओं की गद्य पद्य रचनाओं पर पीएचडी होती है, लेकिन मैं चाहूंगा कि श्रीमद राजचंद्र जी के जब 150 वर्ष मना रहे, तब विशेष करके गुजरात की यूनिवर्सिटीज और देश की यूनिवर्सिटीज भी श्रीमद राजचंद्र जी के जो लेखनी है, उनके कथन है, क्यों न उस पर पीएचडी करें। गांधी जी के जीवन पर, उनके सारे कार्यकलाप पर, हर पल श्रीमद राजचंद्र जी के जो पत्र है, उन पत्रों का कैसा प्रभाव था। और देखिए, गांधी जी की विशेषता, उम्र में फर्क नहीं था, जैन परंपरा में पले हुए थे श्रीमद राजचंद्र जी, उसके बावजूद भी गांधी की भी सरलता देखिए, वरना कभी कभी मनुष्य का एक, अब वो बैरिस्टर थे।
जैन परंपरा में पले हुए थे श्रीमद राजचंद्र जी, उसके बावजूद भी गांधी की भी सरलता देखे, वरना कभी कभी मनुष्य का एक, अब वो बैरिस्टर थे, अफ्रीका में सफल आंदोलन करके आए थे, भारत में बड़े बड़े नेता उनको मिलने आते थे, उन्होंने अपना एक स्थान बना लिया था, उसके बावजूद भी आयु में कोई फर्क न होने के बाद भी अपने बराबरी के व्यक्ति को सामान्य जीवन जाने व्यक्ति अपने अंतर मन के सारे सवाल लिख करके उनको पूछा करते थे, और श्रीमद राजचंद्र जी बिना संकोच आध्यात्मिक चेतना और अधिष्ठान समेत पूरे ज्ञान का संपूर्ण, पूरे ज्ञान का संपूर्ण पूज्य बापू को पत्र के द्वारा पहुंचाते थे। हम पूज्य बापू और श्रीमद राजचंद्र जी के उस पत्रों को देखें तो उस कालखंड का पता चलता है, गांधी की मनस्थिति का पता चलता है, और इतने बड़े आजादी के आंदोलन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति भी अपने अंतर मन की चिंता कितनी करता था उसको संभालने के लिए क्या करना चाहिए, ये श्रीमद राजचंद्र जी को। हमारी नई पीढ़ी को कुछ पता नहीं, और इसलिए ईश्वर जब साबरमती आश्रम स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं तब देश भर से जो स्टूडेंट पुलिस के रूप में गुजरात आते हैं, मैं उन शिक्षकों को भी कहूंगा कि आप सब कुछ देखिए, लेकिन कुछ पल उन बच्चों को साबरमती आश्रम में बिताने के लिए प्रेरित कीजिए, कोवाड़िया जाकर के दिखाइए कि कैसे महापुरुष हमारे देश में किन्हीं दिनों पैदा हुए। ये तो ऋषियों मुनियों के युग की बात नहीं है, और मैं गुरुदेव राकेश जी का जितना अभिनंदन करता है कम। ये ध्वज मार्गी भी है, कर्म मार्गी भी है, उनके विचारों का पिंड श्रीमद राजचंद्र जी की प्रेरणा से पला हुआ है, बड़ा हुआ है, और उनका जीवन उन आदर्शों की पूर्ति के लिए कर्मयोग के अंदर दूर सुदूर जंगलों में लोगों को रहने वाले लोगों की सेवा में खपा हुआ। और मैंने देखा है विश्व भर में एक बहुत बड़ा समूह है जो उनके टीवी पर जो उनके व्याख्यान सुनने के लिए मिलते हैं, लगातार सुनने वाला एक बहुत बड़ा भक्त। अभी मैं नेदरलैंड से आया, परसों में नेदरलैंड में था। दो चीजें मेरे लिए बड़ी ही नई थी मेरी जानकारी के लिए। भारत में जितने मार्ग महात्मा गांधी के नाम पर है उसके बाद दुनिया में सबसे अधिक मार्ग के नाम गांधी पर किसी के होंगे तो नीदरलैंड के। मेरे लिए नया अनुभव, नई जानकारी। और दूसरा, वहां सूरीनाम के लोग आकर के बसे हुए हैं बहुत बड़ी मात्रा में, वो डच सिटीजन है, भारत का भी आईटी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा युवा पीढ़ी वहां गई है, लेकिन कम से कम एक डजन लोग मुझे मिलकर के पकड़ करके खींच करके कहते थे कि परसों आप राकेश जी को मिलने वाले हो गए। अपने आप में एक बहुत बड़ा सामर्थ्य रखती है।
की संकल्प शक्ति देखिए। मैं बेमौत मरूंगा लेकिन आजादी के बिना लौटूंगा नहीं, कितनी बड़ी संकल्प शक्ति होगी जब उन्होंने सारा वर्ष की उस तपस्या जो साबरमती के आश्रम में हुई है, तो तपस्या का सामर्थ्य कितना था कि महात्मा गांधी संकट के साथ निकले, आत्मविश्वास कितना था कि इसी शरीर के रहते हुए मैं अंग्रेजों को यहां से निकाल करके रहूंगा, हिंदुस्तान का इतिहास करके। बापू के 150 वर्ष मनाए थे, ऐसे ही मनाएंगे क्या? जी नहीं, पूज्य बापू के 150 साल ऐसे ही मनाने का किसी हिंदुस्तानी को हक नहीं है। पूज्य बापू के 150 साल मनाना मतलब गांधी की तरह कोई संकल्प लेकर के 150वीं जयंती तक उसको पूरा करके रहना, और ये हर हिंदुस्तानी अप्रतिम संकल्प शक्ति के धनी थे। वो हमारे भीतर भी वो संकल्प शक्ति हो, जिस संकल्प शक्ति को लेकर के हम भी निकल पड़े आज से, और जब गांधी के 150 मनाएंगे तब हम उसको परिपूर्ण करके रहेंगे। ये हर हिंदुस्तानी के दिल में साबरमती आश्रम आजादी के आंदोलन का कलेवर जहां तैयार हुआ, पिंड तैयार हुआ, वहां से करते हुए आजाद हिंदुस्तान, पूज्य बापू के सपनों का हिंदुस्तान बनाने के लिए हम भी कुछ जिम्मेवारी निभा सकते हैं। साबरमती आश्रम की उनकी जितनी घटनाएं हैं, उन घटनाओं में कहीं न कहीं स्वच्छता की चर्चा पूर्वाड़ा साल प्रतिदिन रही। स्वच्छता में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ये स्वच्छता का अभियान 2019 तक हर हिंदुस्तानी का स्वभाव बनना चाहिए। स्वच्छता हमारे लोगों में, हमारे जहन में, हमारे विचार में, हमारे आचार में स्वच्छता का प्रथम स्थान होना चाहिए, और इससे बड़ी पूज्य बापू को कोई श्रद्धांजलि नहीं होती। स्वयं बापू कहते थे कि आजादी और स्वच्छता दोनों में से मेरी पहली पसंद स्वच्छता रहेगी। आजादी से भी ज्यादा महत्व गंदगी से मुक्ति का हिंदुस्तान, ये बापू का सपना था। आजादी के 70 साल हो चुके हैं, 2019 में 150वीं जयंती मना रहे हैं, हम दोनों उसके लिए करेंगे। पूज्य बापू को वैष्णव भजन तो देने रे कहिए बहुत प्रिय था, अभी भी हम लोगों ने सुना। इस देश के हर कोने में वैष्णव भजन तो देने रे कहिए हर विद्यार्थी को मालूम है, नागरिक को पता है, सबको पता है, गांधी जी को भी। और इसकी ताकत देखिए, इसकी सहजता देखिए। आप 100 लोगों को पूछिए कि पूज्य बापू का प्रिय भजन कौन सा था, 100 में से 90 लोग कहेंगे वैष्णव भजन तो देने रे कहिए। 100 में से 90 कहेंगे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके। फिर उनको दूसरा सवाल पूछिए कि किस भाषा में है। मैं बिल्कुल दावे से कहता हूं 10 लोग नहीं बता पाएंगे ये किस भाषा में है, क्योंकि
इस ऊंचाई से वो हमारे भीतर रम गया है कि भाषा के भेद खत्म हो चुके और इसने वजन हमें अपना लगने लगा। ये सिद्धि होती है, ये सिद्धि होती है कि बाकी कोई भेद रेखा सामने नहीं आती है, लिप्त हो जाती है। मैं राजनीति में बहुत देर से आया हूं, इन दिनों राकेश भाई जहां काम करते हैं उस धर्मपुर इलाके में कभी मुझे काम करने का सौभाग्य मिलता था। जवानी का लंबा समय आदिवासियों के बीच बिताने का मौका मिला मुझे, सामाजिक सेवा करते करते। राजनीति में बड़ी देर से आया और आया था तब भी इस पटरी पर जाऊंगा ये कभी सोचा तक नहीं। मैं संगठन के लिए समर्पित था, संगठन के लिए काम करता था और तब मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते समय एक बात बता पाता था। मैं कहता था वैष्णव वजन तो तेने रे कहिए, 400 साल पहले नरसिंह मेहता ने लिखा है। आज जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, जितने भी जन प्रतिनिधि हैं, एक काम करें, वैष्णव वजन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। यहां पर वैष्णव वजन शब्द निकाल करके लोक प्रतिनिधि तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। देखिए हिंदुस्तान में लोक प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, जनसेवक जननायक कैसा होना चाहिए, वैष्णव भजन के हर पंक्ति में आप पल भर के लिए अपने आप को बिठा करके देखिए, आप देखिए आपको किसी से मार्गदर्शन की जरूरत नहीं पड़े, कहां जाना है उसका रास्ता साफ मिल जाए, कोई उलझन नहीं रहेगी। और एक बार एक एक शब्द के साथ जोड़ करके देख लेना, समय के अभाव में मैं उसका विस्तार नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सामर्थ्य उसमें है। भाइयों बहनों, जरूरत पड़ने पर पूज्य बापू का नाम लेना, ये तो हमने बहुत सालों से देखा है। और कब बापू को भुला देना, ये चतुराई भी हमने भलीभांति देखी। आज मैं जब साबरमती आश्रम में आया हूं, श्रीमद राजचंद्र जी की तपस्या, उनका ध्यान, उनके स्वानुभव से निकली हुई एक एक बात, उसका जब हम स्मरण कर रहे हैं, तब साबरमती आश्रम की शताब्दी मना रहे हैं, मैं देशवासियों से एक विषय पर गंभीरता से कुछ बात आज करना चाहूंगा। इससे बड़ा कोई पवित्र स्थान नहीं हो सकता है इस बात बताने के लिए। श्रीमद राजचंद्र जी के 150 साल हो, साबरमती आश्रम की शताब्दी हो, 2019 में गांधी के 150 मनाने का तैयारी हो, इससे उत्तम अवसर मेरे मन की इस बात करने के लिए शायद कोई नहीं हो सकता। मैं देश के वर्तमान माहौल की ओर अपनी पीड़ा भी व्यक्त करना चाहता हूं, अपनी नाराजगी भी व्यक्त करना चाहता हूं। जो देश चीटी को भी खिलाने में विश्वास करता है, जो देश मोहल्ले में दौड़ते घूमते फिरते कुत्तों को भी कुछ न कुछ खिलाने के लिए सोचता है, जो देश सुबह उठकर के नदी के तट पे, तालाब के तट पे जाकर के मछलियों को खिलाने के लिए परंपरा, जिस
देश के संस्कार हो, चरित्र हो, जिस देश में महात्मा गांधी जैसे महापुरुष ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, क्या हो गया है हमें कि अस्पताल में कोई पेशेंट बचा न पाए, हम ऑपरेशन विफल हो जाए, दवाई कारगर न निभे और पेशेंट की मृत्यु हो जाए और अचानक परिवारजन अस्पताल को आग लगा दे, डॉक्टरों को मार दे, क्या ये मेरा देश है? क्या ये पूज्य बापू का देश है? हम क्या कर रहे हैं? और इसी चीजों को बढ़ावा मिल रहा है। अकस्मात अकस्मात होता है, कहीं दो वेहिकल टकरा गए, दुर्भाग्य से किसी एक की मौत हो गई, किसी को चोट लग गई, न जान न पहचान, 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, गाड़ियां जला देते हैं। क्या ये मेरा देश है? गाय की रक्षा, गौ की भक्ति महात्मा गांधी और विनोबा भावे से बढ़कर के कोई नहीं हो सकता। अगर गाय की भक्ति करनी है, गाय की रक्षा करनी है, तो गांधी जी ने और विनोबा जी ने हमें उत्तम राह दिखाई। उसी रास्ते पर देश को चलना ही पड़ेगा, उसी में देश का कल्याण। विनोबा जी जीवन भर गौ रक्षा के लिए अपने आप को आहूत करते हैं। मेरा सौभाग्य था, मैं एक बार वर्धा गया विनोबा जी के दर्शन करने के लिए, मैं उनसे मिला, प्रणाम किए बैठा। विनोबा जी शब्दों की बड़ी ताकत रखते, मैं बैठा, परिचय हुआ, मेरे सामने देखा, फिर मुझे कह रहे मर जाओ मर जाओ। मैं हैरान था, विनोबा जी कह रहे मर जाओ मर जाओ। मैं चुपचाप बैठा, फिर धीरे से कहे गाय के लिए, गाय माता के लिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि विनोबा जी उस समय की सरकारों के खिलाफ जीवन के अंत तक वो लड़ते रहे, अनेक बार अनशन किए, गौ रक्षा के लिए किए, गौ भक्ति के लिए किए। भारत का संविधान भी हमें उसका महत्व समझाता है, लेकिन क्या किसी इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता है? क्या ये गौ भक्ति है? क्या ये गौ रक्षा है? पूज्य बापू का रास्ता ये नहीं हो सकता। विनोबा भावे का जीवन हमें यह संदेश नहीं देता है, और इसलिए साबरमती आश्रम की शताब्दी के पर्व पर और पूज्य श्रीमद रामचंद्र जी के 150 वर्ष मनाते हैं, तब हर हिंदुस्तानी के दिलो दिमाग में ये हमारे मूलभूत संस्कार, हमारी मूलभूत परंपराएं, अहिंसा, ये हम लोगों का जीवन धर्म रहा। हम कैसे आपात हो रहे हैं, डॉक्टर को मार दें, अकस्मात हो जाए, ड्राइवर को मार दें, गाय के नाम पर इंसान को मार दें। मुझे बचपन की एक घटना याद आती है, सत्य घटना है मेरे जीवन की, और पहली बार शायद मैं आज उस बात को कह रहा हूं। एक समय था जब मुझे लिखने की आदत हुआ करती थी, लिखता था, तब मेरे मन में था कभी मैं उस विषय पर लिखूंगा, लिख नहीं पाया, लेकिन आज मेरा मन करता है, क्योंकि ऐसी पवित्र जगह है, जिस पवित्र जगह से मन के भीतर की सच्चाई का प्रकट होना बहुत स्वाभाविक है। मैं बालक था,
इमारत में कड़िया का काम करता था, मैशन्स का काम करता था, एक प्रकार से मजदूरी जैसा काम था। उस परिवार में संतान नहीं था, उनकी शादी के कई वर्ष हो गए लेकिन उनको संतान नहीं। परिवार में भी एक तनाव रहता था, उनके घर में संतान नहीं है, उनकी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति भी थे। बहुत बड़ी उम्र में उनके यहां एक संतान का जन्म हुआ, तो संतान बड़ा हो रहा था। अब छोटी सांकड़ी गली थी, सुबह सुबह गाय को भी एक बड़ी डिसिप्लिन की आदत होती है, तो घरों के पास गुजरती है तो घर वाले भी बाहर निकलते रोटी खिलाते हैं। तो एक गाय थी जो हमारे उस मोहल्ले से आना, हर परिवार के लोग बाहर निकलते उसको रोटी खिलाते, जिनके घर में ये संतान जन्म हुआ था वो भी खिलाते थे। एक बार अचानक कोई हड़कंप हो गई, शायद बच्चों ने फटाके फोड़ दिए, क्या हुआ वो घटना मुझे पूरी याद नहीं रही, लेकिन वो घाय फड़बड़ा गया और दौड़ते दौड़ते स्थिति ये बनी, वो जो बच्चा उनका मुश्किल से 3-4-5 साल का हुआ था वो भी दौड़ने लग गया। उसको समझ नहीं आया कि इधर दौड़ू कि इधर दौड़ू, और जाने अनजाने में वो गाय के पैर के नीचे आ गया। इतने सालों के बाद परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ था और गाय के पैर के नीचे आने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब कल्पना कर सकते हैं उस परिवार का माहौल क्या। बड़े दुख के दिन थे, लेकिन दूसरे दिन सुबह से ये दृश्य मैं भूल नहीं सकता। दूसरे दिन सुबह ही वो गाय उनके घर के सामने आके खड़ी हो, किसी भी घर के सामने जाके रोटी नहीं खाई। वो परिवार भी उसको रोटी खिलाता था, नहीं खाई। गाय के आंसू कभी नहीं रुके, एक दिन, दो दिन, 5 दिन गाय में खाना खा रही है, गाय न पानी पी रही है, एक तरफ परिवार को इकलौते संतान की मृत्यु का शोक था, पूरे मोहल्ले में एक दुख का वातावरण था, गांव में एक परिवार का वातावरण था, लेकिन गाय पश्चाताप में डूबी हुई। कई दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं, उसके आंख के आंसू सूख गए, सारे मोहल्ले के लोग, उस परिवार के लोग भी लाख कोशिश करते रहे, लेकिन गाय ने अपना संकल्प नहीं छोड़ा और उस संतान, उस बालक की मृत्यु अपने पैर के नीचे हुई है। इसे पीड़ा के मात्र
उस गाय ने अपना शरीर छोड़ दिया। एक बालक के मृत्यु के पश्चाताप में गाय को बलिदान देता हुआ मैंने बचपन में देखा है। वो दृश्य आज भी मेरे सामने जिंदा है और आज जब मैं सुनता हूं कि गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए वो निर्दोष है कि गुनहगार है, वो कानून कानून का काम करेगा। इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। साबरमती आश्रम की शताब्दी मनाते हो, गांधी जी और विनोबा जी जैसे गाय के लिए समर्पित जीवन हमारे सामने दृष्टांत हो। मैं देशवासियों से आग्रह करूं, हिंसा समस्याओं का समाधान नहीं है। उस डॉक्टर का कोई दोष नहीं है जो आपके परिवारजन की सेवा कर रहा था लेकिन आपके परिवारजन को बचा नहीं पाया और फिर भी आपको शिकायत हो तो कानूनी व्यवस्था है। अकस्मात हो जाता है, किसी की निर्दोष की जिंदगी चली जाती है, वो अकस्मात है और इसलिए गांधी की धरती में हर किसी का दायित्व है एक संतुलित जीवन जीने का। हर किसी की जिम्मेवारियों को अपनी जिम्मेवारियों के साथ जोड़ दे और तब जाकर के हम पूज्य बापू के सपनों का देश बना सकते। 2022 भारत की आजादी के 75 साल हो गए। जिन महापुरुषों ने आजादी के लिए बलिदान दिया, जवानी जेलों में काट दी, कुछ काला पानी की जिंदगी गुजारते रहे, कुछ फांसी के तख्त पर चढ़ गए, कुछ जीवन भर लड़ते रहे, उन सबका सपना था देश को आजाद, देश को समृद्ध, देश के गरीब से गरीब के कल्याण की ओर देखने। 2022 आजादी के 75 साल हो रहे, 5 साल हमारे पास है। 125 करोड़ देशवासी अगर संकल्प कर ले कि 2022 में हमें हिंदुस्तान को यहां ले जाना है जो हमारे आजादी के दीवानों के सपने थे उसे पूरा करने के लिए ले जाना है, जिस साबरमती के आश्रम की धरती से आजाद हिंदुस्तान के सपनों को संजोया गया था, राष्ट्र को पिरोया गया था, सपनों को पूरा करने के लिए आहुति को स्वीकार किया गया था, लड़ाई लड़ने के लिए हर प्रकार के अहिंसक शस्त्रों का इस्तेमाल किया गया था, सत्याग्रह का मार्ग अपनाया गया था। 2022 आजादी के 75 साल हो रहे हैं, संकल्प का, कर्म का, नया करने का, जीवन को लगा देने का 5 साल जिंदगी का इतना मूल्यवान समय 2022 हम हर हिंदुस्तानी 125 करोड़ देशवासी एक कदम अगर चलते हैं तो हिंदुस्तान 125 करोड़ कदम आगे चलता है। इस सपनों को लेकर के चले श्रीमान रामचंद्र जी जिन्होंने हमें इतनी बड़ी आध्यात्मिक चेतना, कर्ममार्ग, ज्ञानमार्ग, अंतर चेतना को जगाने का रास्ता दिखाया। पूज्य बापू जिन्होंने श्रीमद राजचंद्र जी की बात को जीत करके प्रयोग सफल करके दिखाया है, ऐसे दोनों महापुरुषों को एक साथ स्मरण करने के अवसर पर मैं फिर एक बार आप मुझे आप सबके बीच आने का अवसर मिला। इतने बड़े तादाद में
देश और दुनिया से आए हुए लोगों से उनके दर्शन का सौभाग्य मिला, राकेश जी से मिलने का अवसर मिला। मैं अपना आभार मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।